राम मंदिर पर अखिल भारत हिंदू महासभा का एक ही निर्णय है कि अयोध्या में श्री भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि हमेशा जन्म स्थान कभी नहीं बदलता, नाम बदलते रहते हैं लेकिन जन्म स्थान कभी नहीं बदलता। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ तो इसलिए वो राम जन्मभूमि है, वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, बाबर या उनके वंशजों की मस्जिद नहीं। मुजफ्फरनगर का पुराना नाम लक्ष्मी नगर था, मिर्जाफर नामक एक सेनापति था जिसने इसका नाम लगकर मुजफ्फरनगर रखा था। तो ऐसे नामों को जो मुगलों की निशानी है योगी सरकार को बदल देना चाहिए, कोई भी मुगलों की निशानी हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। इसलिए मोदी जी को या योगी जी को जो भी निर्णय ले तुरंत हिंदुत्व में ले, और जिन शहरों के नाम मुस्लिम शासकों के दौरान बदले गए हैं उनका वही पुराना नाम रखे। अखिल भारत हिंदू महासभा के इस कार्यालय पर आज वीर हुतात्मा नाथुराम गोडसे का 69वां बलिदान दिवस मनाया गया, क्योंकि आज ही के दिन अंबाला जेल में नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी। उसका मुख्य कारण था कि उन्होंने देश के दुश्मन गांधी को मारा था, उनका वध किया था और देश को बचाया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कभी किसी ने नहीं दी, वो स्वयंभू राष्ट्रपिता है, क्योंकि कभी भी किसी भी सरकार ने या कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी। कोई कुछ भी लिख सकता है, राष्ट्रपति पिता हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश के पुत्र हो सकते हैं पिता नहीं। अभी आपने एक बात कही थी कि नोट पे से जो है गांधी जी की प्रतिमा हटाना चाहते हैं, फोटो हटाना चाहते हैं। हिंदू महासभा केंद्र सरकार से मांग करती है कि नोटों पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर है उस पर या तो भगवान श्री राम की या क्रांतिकारियों जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जब तक जिंदा रहा जब भी उसने लोगों को परेशान किया, और आज मरने के बाद भी नोटों पर छपकर लोगों को परेशान कर रहा है। अक्सर इन्हीं नोटों को लेकर आपस में झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाते हैं। उसके बाद झगड़े नहीं होंगे कि दूसरा नोट पर नाम करते हैं। क्रांतिकारियों का एक सम्मान लोगों के उसमें है, वो उसका सम्मान उसी सृष्टि करेंगे। महात्मा गांधी करीब 35 लाख लोगों का हथियार था।